वैसे साजिद, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इतना सब कुछ देने के बाद भी ना प्रो प्लस कह रहे हैं, अल्ट्रा नहीं कह रहे हैं, तो जब अल्ट्रा निकालेंगे तो क्या होगा? वाओ, फाइनली दोस्तों मेरे हाथ में वो फोन आ गया जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेसब्री से रुका हुआ था। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट स्मार्टफोन ऑन अ कैमरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ X90 Pro Plus के बारे में। ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है, बट आई कुड नॉट वेट। इंडिया में ये लॉन्च होने वाला है। पिछले टाइम प्लस प्रो प्लस जो है वो लॉन्च नहीं हुआ, दिस टाइम इट इज गोइंग टू लॉन्च। I am just too excited about the camera, दोस्तों. This is definitely, हमने comparison भी किया हुआ है iPhone के साथ, and I am telling you, this will blow your mind, literally. Unboxing first impressions करते हैं. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए and सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, especially कैमरा के मामले में. ब्लैक बॉक्स है दोस्तों, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, दिस इज द फोन. एंड एक बात कहूँ आपसे, कैमरा ही ऐसी एक चीज नहीं है जो स्टैंड आउट होती है. बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंड आउट होती है, और उसमें से एक है डिजाइन. कवर के ऊपर से तो आपको पता ही चल गया होगा कि डिजाइन इसका कैसा है. जस्ट लुक एट दैट, रेड विद दैट ब्लैक बैंड अक्रॉस. और ये है कैमरा मॉड्यूल. जस्ट वेट, आप रुकिए जब मैं इसे अनवील करूंगा. बैक स्पेशली इसकी यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है. दिस इज 80 वॉट फ्लैश चार्ज. जी हाँ, ये देखिए. इंटरेस्टिंगली प्रो प्लस में 80 वॉट आता है, एंड जो सिर्फ प्रो है उसमें 120 वॉट चार्जिंग आती है. एंड वॉट, एंड यू हैव गॉट दिस सिम कार्ड टूल. जी हाँ, दैट्स अबाउट इट. रखते हैं सब कुछ साइड में. लेट्स लुक एट द फोन. सुपर डुपर एक्साइटेड. टाइम टू अनवील द फोन. धीरे कर रहा हूं जानबूझ के. लेदर है दोस्तों, दिस इज लेदर फिनिश. एंड लुक एट दैट. ओ, कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा रेज्ड है, और साइड में भी देखोगे, दिस वन रियली लुक्स रिच. मतलब ये जो रिंग जाती है साइड में, विच इज शाइनी, लुक्स वेरी वेरी नाइस. और इधर फिर ज़ाइस की ब्रांडिंग भी है, एंड देन यू हैव दोज एलईडी लाइट्स. ऐसा ही कैमरा मॉड्यूल जो है दोस्तों 12S अल्ट्रा में था, एंड दैट वाज काइंड ऑफ फ्रंट हैवी. जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन था इतना अच्छा नहीं था, बट ये जब हाथ में लोगे ऐसे लगता है कि वो हैवी है, बट व्हेन यू टेक इट इन हैंड You don't feel it that much. हाँ, heavy है. It is on the heavier side because बहुत सारी चीजें इसमें भरी है, including that 1-inch sensor. Yes, but हाथ में अच्छा लगता है. अगर weight के बारे में बात करूँ, it should be around 200 grams. देखते हैं, शायद ज़्यादा हो सकता है, but हाथ में 200 ग्राम ही लगता है. Let's see. 220 grams. My God. गुड जॉब वीवो. लवली इन हैंड फील. थोड़ा बड़ा है क्योंकि डिस्प्ले भी बड़ा है, कैमरा मॉड्यूल भी बड़ा है, थोड़ा हैवी भी है. क्विकली केस डाल के देखते हैं. केस जो है दोस्तों अच्छी क्वालिटी की केस है, और जो डिजाइन है केस डालने के बाद भी इट रिटेन्स द डिजाइन, और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, आई डोंट सी अ 3.5mm जैक, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी. वैसे एसडी कार्ड स्लॉट वगैरह भी नहीं होने वाला है, लेकिन देखते हैं. लेट्स सी. डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है. वैसे जब फोन लोगे तो स्क्रैच गार्ड लगा हुआ आता है. आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट. चलिए लेट्स स्टार्ट द फोन. डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं. बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले, 6.78 इंच का 2K डिस्प्ले आता है दोस्तों. 120 हर्ट्ज़ E6 AMOLED है, HDR 10 Plus का सपोर्ट है. जो पीक TSR है दोस्तों, टच सैंपलिंग रेट, वो 1200 हर्ट्ज़ है. नॉर्मल जो है दैट शुड बी अबाउट 360 और 480, लेकिन इंस्टेंट TSR जो होता है वो गेमिंग में आपको फायदा करता है, दैट इज 1200. ब्राइटनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, 1800 nits ब्राइटनेस है. तो अगर आप S22 Ultra के साथ भी कंपेयर करते हो, 50 nits से ज्यादा है. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट डिस्प्ले. और डिस्प्ले की बात करूं तो एक्सीलेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो. जो साइड के बेजल्स है दे आर नियरली नॉन एग्जिस्टेंट. ऊपर का भी बेजल बहुत पतला है. चिन इज ऑल्सो नॉट देयर. इसमें दोस्तों Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ये फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है. इसमें LPDDR5X RAM टाइप आती है, which is the latest. इसमें UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है, अगेन which is the latest. और इसकी वजह से दोस्तों रीड राइट स्पीड जो है दे गो क्लोज टू 3500 Mbps. दैट इज क्रेजी. और वो गेमिंग में उसके परफॉर्मेंस में डेफिनेटली दिखता है. दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 4700 mAh की बैटरी है, एंड दिस वन हैज गॉट 80 वॉट चार्जिंग, वायर चार्जिंग, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट. और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो दूसरा फोन आपको चार्ज करना है कर सकते हैं. और दोस्तों आप कहोगे कि 5000 होनी चाहिए थी, 4700 बैटरी है. लेकिन एक बात कहूं, ये जो रैम टाइप है, स्टोरेज टाइप है, इवन द प्रोसेसर, ये नियरली 40-45% मोर पावर एफिशिएंट है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में. इट इज लाइक लास्ट ईयर का जो फ्लैगशिप है, अगर उसमें 5000 होगी तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ 4700 इन टुडेज जनरेशन. सो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. ऑलराइट, ओएस के बारे में बात करते हैं. एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है इसमें ओरिजिन ओएस आता है. जब इंडिया में ये आएगा दोस्तों, दैट विल बी फन टच OS 13.
13. This is Origin OS. और इसीलिए थोड़ा अलग दिख रहा है, ऐसे bloatwares वगैरह है दोस्तों. सब sensors तो आते ही है दोस्तों. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बताऊं, ये अल्ट्रासोनिक सेकेंड जनरेशन का फिंगरप्रिंट सेंसर है, और उसकी वजह से जो साइज है, जो एरिया है वो बड़ा हो गया है, तो थोड़ा इधर उधर आपका फिंगर हो गया तो भी आराम से ये खुल जाएगा. सो दैट इज देयर फेस अनलॉक वगैरह सब है. NFC भी आता है इसके अंदर, IR ब्लास्टर भी है. क्या चाहिए, आई मीन एवरीथिंग इज देयर. कनेक्टिविटी में भी वही दोस्तों, टॉप ऑफ द लाइन Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.3 है दोस्तों, डुअल 4G वोल्टी Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है, 5G ऑब्वियसली सपोर्ट करता है, बट बैंड्स वगैरह इंडिया में जब आ जाएगा तब सब कुछ पता चल जाएगा. राइट नाउ वी आर नॉट श्योर. एंड ये डिस्प्ले इतना इमर्सिव है दोस्तों कि पूछेगा मत. आपको ऑडियो सुनाता हूं आपको. बिग थम्स अप फॉर मल्टीमीडिया, मतलब दैट्स अ वेरी इमर्सिव डिस्प्ले. कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं, ब्लैक्स आर एब्सोल्युटली ब्लैक. E6 AMOLED है दोस्तों, एंड ऑडियो भी स्टीरियो स्पीकर से, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउड है. सो ओवरऑल मल्टीमीडिया अगेन वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर दोस्तों. वैसे परफॉर्मेंस के बारे में क्विकली बता दूं कि ऑन पेपर अगर अंतुतु स्कोर देखोगे तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑन एंड्रॉइड फोन्स. 1.27 मिलियन आए हुए हैं, इसके पहले 1.2 मिलियन के करीब आए हुए थे कुछ कुछ फोन्स, बट दिस वन इज 1.27 मिलियन. इससे भी ज्यादा हो सकता था टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट परफॉर्मेंस is absolutely top notch. Gaming के लिए आप highest settings पे, highest frame rate पे खेल पाओगे, so absolutely no problems there. हाँ, Geekbench का score slightly कम आया, I'm not sure why, but performance again top notch. मतलब top notch हर चीज के लिए कह रहा हूँ. कैमरा के बारे में क्या कहूँगा? Alright दोस्तों, बाकी के छोटे-छोटे features के बारे में बात करूँ तो IP68 certification आता है, जी हाँ, top of the line. अगर मैं glass protection के बारे में बात करूँ तो शायद shot sensation का protection आएगा, जो generally सब phones पे आता है, so I'm assuming that is going to be there. Time for the camera. जी हाँ, आजकल ना कम करने लग गए हैं सेंसर्स. आजकल तो फ्लैगशिप में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप ही दिखता है, बट दिस वन हैज गॉट अ प्रॉपर क्वाड कैमरा सेटअप. जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, दैट इज 50.3 का सोनी का IMX989 सेंसर, विच इज अ 1-inch सेंसर, और फोटोज में वो दिखता है लिटरली, मतलब DSLR कैमरा, डिजिटल कैमरा जो होते हैं उसके करीब आ गए. दे हैव कम वेरी नियर, प्रॉब्ली कुछ कुछ मामले में उनसे भी आगे चला गया. जो सेकेंडरी सेंसर है दोस्तों, ये है 2x पोर्ट्रेट सेंसर, 50 मेगापिक्सल का, और वो भी सोनी का IMX758 सेंसर है, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. एंड तीसरा जो सेंसर है, दैट इज 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड. यस, चौथा जो सेंसर है, दैट इज 64 मेगापिक्सल. जी हाँ, 64 मेगापिक्सल, ये बेसिकली पेरिस्कोप सेंसर है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है, 10x तक हाइब्रिड है. और याद रखिए दोस्तों, अगर आप ये कंपेयर करोगे इसके साथ, दिस इज X80 Pro, इसमें 60x तक मैक्सिमम जूम मिलता था, इसमें आपको 100x तक मिलता है. बट एट 10x अगर आप जूम निकालोगे दोस्तों, फोटोज बहुत अच्छे आते हैं. आई मीन आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड. S22 अल्ट्रा इस चीज में किंग था, टेलीफोटो में, एंड कुछ कुछ मामले में ये बीट करता है, एटलीस्ट 10x. 100x तक जाओगे तो शायद S22 अल्ट्रा बीट करेगा, बट वी विल हैव टू फाइंड दैट. कंपैरिजन के लिए रुकिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इसके ऊपर, इसके कैमरा के ऊपर. और दोस्तों, जितना इंप्रेसिव, जितना सुपर इंप्रेसिव पीछे के कैमरा सेटअप है, मैं कहूंगा अंडरवेलमिंग है अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं. 32 मेगापिक्सल का है और फोटोज भी ठीक ठाक ही आते हैं. What I was really impressed was that rare primary sensor, 1-inch का जो सेंसर है दोस्तों, क्या फास्ट निकालता है. मतलब LPDDR5X RAM, UFS 4.0, वो जो read write speed है, processing में भी बिल्कुल time नहीं लगता है. जब आप क्लिक करते हो शटर बटन, instantly फोटो निकलता है. प्रोसेसिंग होती है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है. और एक बात कहूं, हम पोर्ट्रेट फीचर इस्तेमाल करते थे पीछे का बोके लाने के लिए, लेकिन ये बड़ा 1-inch का सेंसर है ना, वो नेचुरल बोके देता है आपको. मतलब सीरियसली, वो जो बाल बिल यू नो सॉफ्ट हो जाते थे, दिखते नहीं थे, वो अब चीज नहीं होती है. आपको पोर्ट्रेट की जरूरत ही नहीं, पोर्ट्रेट फीचर की. नॉर्मल फोटो निकालिए, उसमें भी इतना अच्छा ब्यूटीफुल नेचुरल बोके आएगा. इनफैक्ट बहुत सारे फोटोज निकाले हुए दोस्तों, जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज देखिए. आई अर्ज यू टू सी दैट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कैमरा क्वालिटी दिस वन हैज ऑन द रेयर. इट इज इंप्रेसिव. एक बात कहूँ, हमने आईफोन के साथ भी उसे बिठाया, X80 Pro के साथ भी बिठाया, दूसरे जो अच्छे कैमरा स्मार्टफोन उनके साथ भी बढ़ा है, बट दिस वन हैज कम आउट द विनर, एटलीस्ट इन माय फर्स्ट इंप्रेशंस. और ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना होगा, बट आई एम फ्लोर्ड विद द कैमरा, रेयर कैमरा सेटअप ऑफ X90 Pro Plus. एक रीजन, एक चीज के बारे में मैंने बात नहीं की है, वो जो V2 चिपसेट है, सेकेंड जनरेशन की जो उनकी डेडिकेटेड कैमरा के लिए जो चिपसेट है, इट रियली वर्क्स वेरी वेरी वेल. सो गुड जॉब देयर Vivo. चलिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के बारे में तो बात कर ले. वीडियोग्राफी में भी एब्सोल्युटली ग्रेट. 8K वीडियोज आप 30 FPS तक निकाल पाओगे, 4K 60 FPS तक निकाल पाओगे, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है. सो वीडियोग्राफी के मामले, एंड OIS वगैरह तो है, तो स्टेबल फुटेज आता है, वीडियोग्राफी इज वेरी गुड. अब वो आईफोन के साथ
साथ कम्पीट करेगा या नहीं वो हमें देखना होगा कि हाउ गुड वीडियोस कम आउट ऑन दिस वन। वो जो सवाल है उसका जवाब बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा और ज्यादा हमें टेस्ट करना होगा। बट वीडियोग्राफी ऑल्सो क्वाइट गुड। एक ही चीज अगेन, आगे जो है 1080p पे कैप्ट है वीडियोस, आई डोंट नो व्हाई। सेल्फी के पास ध्यान ही नहीं दिया, पूरे जो एफर्ट्स है ना वो रेयर कैमरा में चले गए। दोस्तों एक चीज के बारे में मैं बताना भूल गया, प्राइसिंग जो चाइना में आई हुई है दैट इज 6500 युआन 12-56 वेरिएंट के लिए एंड 7000 युआन फॉर द अपर वेरिएंट जो ये है 12-512। तो अगर अपर वेरिएंट भी मैं देखूं तो कन्वर्ट करते हो तो प्राइस इज अराउंड 80,000 और स्लाइटली लेसर देन दैट। उस हिसाब से मैं कहूंगा इट इज ऑल वर्थ इट। मतलब सीरियसली एट दिस लेवल वीवो का फोन होने के बावजूद मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज ऑफरिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है इंडिया में किस प्राइस पे आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हर मामले में आई मीन एक्सेप्ट सेल्फी कैमरा मुझे ऐसी एक भी चीज नहीं लगी जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मतलब जो परफॉर्मेंस है स्पेशली बिकॉज ऑफ स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप नेक्स्ट लेवल पे जाता है। कैमरा एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, वेदर इट इज ऑन स्पेसिफिकेशन नंबर्स के मामले में भी एंड एक्चुअल जो फोटोज आते हैं उसके मामले में भी। लुक्स, जस्ट लुक एट दिस फोन। आप ये कैरी करोगे तो लोग डेफिनेटली आपको पूछेंगे ये कौन सा कैमरा है। आई एम रियली, मैं सही में रुका हुआ हूं दोस्तों कि ये इंडिया में कब आएगा और ये मैं मेरा प्राइमरी ड्राइवर इस्तेमाल करने वाला हूं स्पेशली because of that camera and looks and display and performance। दिया यही है आपके लिए Vivo X90 Pro Plus। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe।